सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मेहकान बुटीक। एंड या गाइस, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो गाइस, इससे पहले मैंने इस टाइप की ड्रेस बनाई थी और आप लोगों को वो काफी पसंद आई थी। सो उसी टाइप से मैंने ये ड्रेस बनाई है, बट यू नो व्हाट, इसे मैंने बहुत ही कम फैब्रिक में बनाया है। सो या गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप ऑन वॉचिंग गाइस। I probably shouldn't say this, I probably should erase it, I probably shouldn't say this, I wanna be with you, if that's the last thing that I could do, I wanna be with you. For making this outfit here, I'm using 2 meter designer net fabric. और आप देख सकते हो ये नेट पर माइक्रो सिक्वेंस का वर्क है एंड इसकी बॉर्डर बहुत ही हैवी है। सो इससे हमारी श्रग का लुक बहुत ही ऑसम आने वाला है। एंड सेकेंडली आई एम यूजिंग 3 मीटर सिल्क फैब्रिक। या गाइस, यहाँ पर मैंने 3 मीटर सिल्क फैब्रिक का यूज किया है। सो फर्स्टली हम पेपर पर ब्लाउज की मार्किंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर पेपर को फोल्ड किया है। और इसकी लेंथ 15 इंचेस है एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस। सो 7 इंचेस पर शोल्डर का मार्क लगाना है। एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे और यहाँ से हम अगेन 7 इंचेस पर मार्क लगाएंगे ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। एंड 11 इंचेस पर चेस्ट का मार्क करेंगे और ये मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड या गाइस, लेट मी टेल यू, दिस इज अ मीडियम साइज मेजरमेंट्स। सो इफ यू ऑल्सो हैव मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स। अब 10 इंचेस पर वेस्ट का मार्क करेंगे और फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एंड गाइस, 3.5 इंचेस पर नेक विड्थ मार्क करेंगे एंड 4 इंचेस पर फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे। अगेन यहाँ से भी 3.5 इंचेस पर मार्क लगाते हुए इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। एंड देन इसमें हमने राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब बैक नेक के लिए 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। एंड शोल्डर से भी हमने हाफ इंच डाउन कर देंगे। एंड नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग भी हो गई है। अब इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर फैब्रिक पर ब्लाउज की कटिंग भी कर ली है। अब नेक की फिनिशिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर नेक के अकॉर्डिंग स्ट्रिप कट की है। इसको राइट साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे एंड सिमिलरली बैक नेक पर भी स्ट्रिप को रखकर स्टिच करना है। सो स्ट्रिप को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे बैक पार्ट पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे सो देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इस पर हमने स्टिच करना है। सो इस तरह नेक की फिनिशिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है एंड बैक पार्ट के नेक को भी हमने इसी तरह फिनिश किया है। नाउ राइट साइड पे राइट साइड को रख के शोल्डर से स्टिच करेंगे एंड यहाँ पर शोल्डर भी स्टिच कर लिया है। अब आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स ली है। अब स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए आर्म होल पे रखेंगे एंड स्टिच करेंगे इस तरह। देखिए, इस तरह से हमने स्ट्रिप को आर्म होल पे रखते हुए स्टिच करना है। सेकेंड आर्म होल पर भी हम स्ट्रिप को डबल फोल्ड करेंगे एंड इस पर इस तरह रखते हुए स्टिच करना है। सो यहाँ पर स्ट्रिप को भी स्टिच कर लिया है। नाउ इसे हम बैक साइड पर टर्न करेंगे एंड इसमें सिलाई लगाएंगे। एंड सेकेंड स्ट्रिप को भी इसी तरह से टर्न करते हुए स्टिच कर लेना है। सो या गाइस, यहाँ पर हमने आर्म होल की भी फिनिशिंग कर ली है। अब इसे हम राइट साइड को टर्न करेंगे। अब इस पर हम फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ पर हमने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। अब इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे। सो यहाँ पर हमारा ब्लाउज बनकर रेडी है। नाउ कीप इट असाइड। अब हम गाउन के फ्लेयर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड्स करके रखा है। अब इसके एक साइड को इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, आफ्टर फोल्डिंग दिस इज 4 फोल्डेड। और ये जो फोल्डिंग के बाद से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम ½ इंच ओवरलैप करते हुए इस पर रखेंगे इस तरह से। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर 9 इंच पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट के लिए मार्क करूँगी। अब ये मार्क से इंच स्टेप को रखेंगे एंड 42 इंचेस पर हमने लेंथ का मार्क करना है। सो यहाँ पर हम गाउन के फ्लेयर की लेंथ मार्क करेंगे। अब इंच स्टेप को अगेन हम टॉप साइड पर रखेंगे। अब देखिए, ये मार्क तक हमारा 51 इंचेस हो रहा है। सो यहाँ पर हमने 51 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने पूरी तरह 51 इंचेस में मार्क करेंगे। एंड या गाइस, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो देन टेल मी इन द कमेंट। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम सून एज सून पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। नाउ लेट्स जॉइंट अ मार्क। अब ये मार्किंग पर कट करेंगे। सो फ्लेयर की भी हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर ये जॉइंट्स हमने कट किए थे। इसे हम देखिए इस तरह राइट साइड को रखेंगे। एंड सेकेंड वाली साइड को भी हम राइट साइड को रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेयर में जॉइंट भी ऐड कर दिया है। अब इसके साइड्स में हमने स्टिच करना है और इसके सेकेंड साइड पर भी हमने सिलाई लगाकर जॉइंट कर देंगे। और इसकी बॉर्डर को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग इट्स लुक लाइक दिस। यहाँ पर हमारा फ्लेयर रेडी है। नाउ इट हैज़ टू बी जॉइंट विथ ब्लाउज। और यहाँ पर मैं ब्लाउज़ को रख के बता देती हूँ। इस तरह से हम इसे रख कर स्टिच कर लेंगे। एंड या गाइस, स्टिच करने के बाद हम इसमें बटन्स ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर डायमंड्स बटन लिए हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम designerbox.in। सो अगर आपको भी ये बटन्स बाय करने हैं सो मैंने designerbox.in की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर मेंशन की है। आप वहाँ जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके ये बटन्स इजीली बाय कर सकते हो। सो गाइस, अब हम श्रग की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ 51 इंचेस है। सो या गाइस, फर्स्टली हम श्रग की फ्लेयर का मार्क करेंगे। उसके लिए जो हमारा बॉर्डर वाला साइड है, यहाँ से इंच स्टेप को रखकर 22 इंचेस पर मार्क करेंगे इस तरह। सो हमारे फ्लेयर की जो लेंथ है 22 इंचेस है। इस तरह से हमने 22 इंचेस पर मार्क करते जाना है। अब इन मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो गाइस ये हमारा फ्लेयर वाला साइड है और जो ऊपर की साइड से हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हम ब्लाउज एंड स्लीव बनाएंगे। नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क। सो देखिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को डिवाइड कर दिया है। देखिए ये एक साइड से ओपन है एंड एक साइड से जॉइंट है। सो ओपन वाली साइड को सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है और इसके टॉप साइड पर सिलाई को बड़ा करते हुए लगाना है ताकि हम इसमें गेदर्स ऐड कर सके। और ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम ब्लाउज एंड स्लीव बनाएंगे। सो देखिए मैंने फैब्रिक को एक साइड से रखा है। अब जो हमने पेपर पर ब्लाउज कट किया था उसके हम इस पर इक्वली रखेंगे इस तरह से और इसके अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की कटिंग करनी है। बट या गाइस यहाँ पर हम नेक कट नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा श्रग पार्ट है इसलिए इसमें नेक की कटिंग नहीं होगी। सो यहाँ पर कटिंग कर ली है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमने नेक को कट नहीं किया है। देखिए ना बैक पार्ट के नेक को हमने कट किया है एंड फ्रंट पार्ट के नेक को भी हमने कट नहीं किया है। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरह से इक्वली फोल्ड करेंगे सेंटर से। अब इसके फोल्डेड साइड से 2 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये मार्क पर हम कट करेंगे। अब इसकी फिनिशिंग करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप को इसके रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे इस तरह से एंड 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। सिमिलरली इसके सेकेंड साइड पर भी स्ट्रिप को रखते हुए स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब इसे राइट साइड पर इस तरह से टर्न करेंगे एंड इस पर स्टिच करना है। सो फाइनली यहाँ पर हमने स्ट्रिप को स्टिच करके इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब इसके राइट साइड पर बैक पार्ट के राइट साइड को रखेंगे इक्वली एंड शोल्डर से मिलाते हुए स्टिच करेंगे। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे, उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और इसकी लेंथ 21 इंचेस है एंड विड्थ 11 इंचेस है। नाउ टॉप साइड से 2 इंचेस में मार्क करेंगे और इसके ओपन साइड से 2.5 इंचेस में मार्क लगाना है और इसके बॉटम में 6.5 इंचेस में मार्क करेंगे। अब आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। सो यहाँ पर स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब ये मार्क पर कट कर लेंगे। सो कट करने के बाद देखिए ये हमारी 2 स्लीव्स है। अब स्ट्रिप को स्लीव की रॉन्ग साइड पर रखेंगे डबल फोल्ड करते हुए और इस पर स्टिच करना है। स्ट्रिप को स्टिच करने के बाद इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे इस तरह से एंड इसे सिलाई लगाकर यहाँ पर फिक्स कर देंगे। सो यहाँ पर हमने स्लीव की बॉर्डर को भी फिनिश कर लिया है और यहाँ पर स्लीव बनकर रेडी है। एंड गाइस शोल्डर को भी हमने सिलाई लगाकर जॉइन कर दिया है। यहाँ पर मैंने नेट की स्ट्रिप ली है, इसको डबल फोल्ड करेंगे एंड शोल्डर पर रखकर स्टिच करेंगे। सो इस तरह से हमारी इस फ्रॉक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आएगी। स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह हमने इसे ओपन करना है और स्ट्रिप को बैक साइड पर टर्न करके स्टिच करेंगे। सो यहाँ पर हमने शोल्डर की फिनिशिंग भी कर ली है। अब आर्म होल्स में स्लीव को लगाएंगे। सो मैं यहाँ पर आपको रख के बता देती हूँ। इस तरह से हमने आर्म होल में स्लीव को स्टिच कर लेना है और स्लीव को स्टिच करने के बाद इसके साइड्स में सिलाई लगाकर फिटिंग देंगे। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा श्रग का ब्लाउज कंप्लीट है। नाउ लेट्स प्रिपेयर इट्स बॉटम पार्ट। सो देखिए फ्लेयर के ओपन साइड की बॉर्डर को भी हमने स्ट्रिप से फिनिश कर लिया है और इसके टॉप साइड से हमने सिलाई को बड़ा करते हुए लगाया है। सो ये थ्रेड को खींचते हुए इसमें गेदर्स ऐड करेंगे। इस तरह से हमने थ्रेड को लाइटली खींचना है। सो देखिए यहाँ पर पूरे में हमने गिरस ऐड कर लिया है। अब इसके ओपन साइड को हम सेंटर में रखेंगे। सो देखिए ओपन साइड को हम इक्वली मिलाएंगे। इस तरह से मिलाते हुए बॉटम एंड ब्लाउज पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। सो या गाइस फाइनली हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये मैंने लटकन का यूज़ किया है, इसके ज्वाइनिंग पार्ट पे हम ये लटकन को स्टिच करके फिक्स कर देंगे। सो यहाँ पर हमारी श्रग जैकेट बनकर रेडी है एंड गाउन के साथ ये कितना गॉर्जियस लुक दे रही है। सो या गाइस इफ यू आर लाइक दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो एनेबल द बेल आइकॉन बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल मेहकान बुटीक so that you can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.